birthday to you. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन है। मैं अभी बैठी हूँ, एक स्पेशल काम कर रही हूँ स्पेशल पर्सन के लिए, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। तो बर्थडे स्पेशल करने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ ग्रीटिंग्स का। तो ग्रीटिंग्स कार्ड मैं पहले से 2 दिन पहले से तैयारी कर रही हूँ। आज मुझे कम्प्लीट ही करना है, क्योंकि कल मुझे सरप्राइज देना है, तो जल्दी मुझे काम करना है। अभी 12 बज रहा है, मैं अभी विश कर रही हूँ, वो भी मार मार के मैं विश कर रही हूँ। अभी मॉर्निंग है, मैं अभी लंच के लिए तैयारी कर रही हूँ। ऑलरेडी मॉर्निंग से ऑलरेडी कुकिंग करना शुरू कर चुकी हूँ, और पहले से भिंडी फ्राई और पम्पकिन फ्राई कर चुकी हूँ, और जो भी रेसिपी है ऑलरेडी तैयारी कर रही हूँ, जल्दी कर रही हूँ। जल्दी खाना बनाऊँ तो और भी मैं हम दोनों एक साथ इंजॉय कर पाऊँगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा बिजी हो गई आज के लिए। कुकिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, तो मैं अभी सर्व करूंगी टोटल खाना, आज का जो लंच है बर्थडे लंच। लंच कंप्लीट करने के बाद मैं जल्दी जा रही हूँ गिफ्ट के लिए। क्या गिफ्ट लेके आऊँ, तो मैंने सोचा एक ड्रेस खरीद के लेके आऊँ, तो ड्रेस के लिए ऑलरेडी आ गई दुकान में। अभी बारिश हो रहा है, मैं थोड़ा रुक गई, बट ऑलरेडी केक पैक कर चुकी और ड्रेस भी ऑलरेडी ले लिया मैंने। अभी केक रेडी है और बर्थडे बॉय भी रेडी है केक कटने के लिए। এই গিফটটা তোমার জন্য। কেমন হয়েছে দেখো, পুরোটা খোলো। मेरे तरफ
सबसे स्पेशल गिफ्ट यही है मेरा हैंडमेड ग्रीटिंग्स कार्ड, क्योंकि मैं खुद ही बनाई हूँ इसीलिए बहुत ही स्पेशल है। और मेरे हस्बैंड भी ऑलरेडी ग्रीटिंग्स कार्ड देख के भी बहुत ही खुश हुए। और उसके साथ छोटा सा गिफ्ट है, वो है टी शर्ट और सूट। पहले से 2 दिन पहले से मतलब मैं रखी हूँ, मतलब लेके रखी हूँ, तो यही है छोटा सा गिफ्ट। अभी क्या हो रहा है, मुझे सरप्राइज़ देने के लिए मुझे कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे पता नहीं है, बट एक सरप्राइज़ है उनके तरफ से। ये जो सरप्राइज़ है मुझे बहुत ही पसंद आई है, क्योंकि ये टीवी से स्काई लॉन्ग में लेके आ गई तो डिनर के लिए, तो बहुत ही पसंद आया है। और बहुत ही बारिश हो रहा है इसीलिए बाहर नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि बालकनी के साइड में व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट बाहर साइड में बैठ के खाना खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट बारिश का वजह से अंदर में हम लोग बैठ के खाना खा रही हूँ। बट बाहर का जो व्यू देखो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के खाना खाना बहुत ही मज़ा आती है, बट नहीं है, नहीं हुआ है वो भी बारिश का वजह से। बट जितना भी सरप्राइज मुझे दिया है बहुत बहुत मैं खुश हूँ, बहुत दोनों भी इंजॉय कर रही हूँ। टीवीसी रेस्टोरेंट का सबसे अच्छा प्लेस होता है बालकनी साइड, बट यहाँ पे कोई नहीं बैठे हैं क्योंकि बारिश का वजह से। बट यहाँ से जो व्यूज होता है ना, ऑलरेडी जेपी मॉर्गन का ऑफिस भी दिखाई दे रहा है, मेरा हस्बैंड का ऑफिस साइड का इस साइड में ही है, तो सब कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ का जो व्यूज होता है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अंधेरा में यहाँ से देखना और भी अलग फील हो रहा है। जो बर्थडे है, बर्थडे स्पेशल और भी स्पेशल बना दिया मेरा हस्बैंड ने। मैं जितना ना सरप्राइज उसको दी हूँ, मुझे सरप्राइज और भी ज़्यादा दे दिया उन्होंने, तो आज का दिन टोटली अच्छा लगा। भगवान के पास मैं एक ही प्रार्थना करूँगी, हर टाइम मेरा हस्बैंड खुशता है, सोचता है उनका जो सपना है सपना फुलफिल करे, और सबको लेके खुशी खुशी में रहे। और मैं भी ऐसी कोशिश करूँगी उनके साथ हर टाइम रहने के लिए, उनको खुशी देने के लिए, हर प्रॉब्लम में पास रहने के लिए, खुशी में भी और खराब में भी, तो अच्छे और बुरे दोनों के साथ एक साथ रहूँगी। तो हैप्पी बर्थडे to you, dear.